आज के दौर में मुश्किल है ये चीज कि आपको या तो बेल मिले और जो भी कंडीशंस पर आपको बेल मिले वो आप वो कंडीशंस को आपको लेना चाहिए और मैंने ले ली। मैं मानने को नहीं तैयार कि जो मैंने कहा वो या तो गलत था या तो वो सत्य से हटके था और ये साबित हो जाएगा अदालत में। पर आज जो है आकार आपके ऊपर एक आरोप ये लगेगा कि आप विदेश जाएंगे, विदेश जाके आप भारत के खिलाफ बोलेंगे, भारत की छवि को खराब करेंगे, भारत में प्रधानमंत्री की छवि को खराब करेंगे। बिल्कुल करूंगा मैं। ये यही एक देश प्रेमी यही होता है जो चाहता है कि अपना देश सुधरे। और मैं दुनिया को कहूंगा, मैं मानवता को एक ही मानता हूं, मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं कहीं जाऊंगा तो ये कोई अलग लोग है, वो भाई है मेरे। मैं कहूंगा कि यहां पर मुसलमान के साथ ये हो रहा है, और अगर कोई ये समझे कि ये भारत के खिलाफ बोलना है तो ठीक है, ये कोई समझे कि मोदी जी के खिलाफ ये बोलना है तो ठीक है, पर मैं बोलूंगा। आप बोलेंगे? बिल्कुल। तो उससे भारत की छवि खराब होगी? भारत की छवि इन चीजों से खराब नहीं होती कि कोई बंदा जाके कहीं पे कुछ बोल दे। भारत की छवि होती है खराब इन चीजों से जो हम देखते हैं रोजाना न्यूज पर, कि अपने ही लोगों पे धावा बोल देना ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है। और ये जो चल रहा है भारत में 2014 से लेकर और खास तौर पे 2019 के बाद, ये राष्ट्रवाद नहीं है। और अगर ये राष्ट्रवाद है तो ये बिल्कुल ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और लोगों को पता चलना चाहिए कि भारत में ऐसा हो रहा है, और अगर उनको नहीं पता है तो मैं बाहर जाके बोलूंगा उनको। बिल्कुल, मतलब आप बोलेंगे। ये पत्रकार का काम ही ये है, वो ये नहीं देखती कि मेरी रीडर कौन है, वो ये देखेगी कि मेरी आंखों के सामने क्या है और वो लिखेगी। वो यही काम है मेरा, यही काम है आपका, और यही काम हम करते रहेंगे। अब चूंकि आपको अदालत से परमिशन मिल गई तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि अब आपको विदेश जाने दिया जाएगा, कोई नया केस नहीं आ जाएगा, कोई नया? ये एक ही केस है आशुतोष जी, और भी शायद आएंगे, ठीक है, पर ये देखें, जब 52 साल हो जाए आपके तो कोई ज्यादा कोई फ्यूचर है नहीं आगे, और देश जो है वो ऐसे एक संकट में है जहां पर बहुत ज्यादा लोगों को अपना हाथ ऊपर करके खड़ा होना है, जो आज नहीं हो रहा। और ये मैं मानता हूं कि हम इस संकट से नहीं निकल पाएंगे, जितना भी काम आप करें, कोई और करें, मैं नहीं मानता कि जहां ये जा रहा है ये अच्छे लोगों की मदद से रुकेगा। ये जहां पर जाना है वहां पर जाएगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बंद कर दे अपना काम, कि हम ना बोलें, और हम पर जो आएगा वो आएगा, वो ठीक है, पर लेकिन आप इतने पेसिमिस्ट क्यों लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं हूं मैं, मेरा ये मानना है कि 10 या 15 साल बाद अच्छा ही होगा। ये देश, ये पूरी मानवता में जो होगा वो अच्छा ही होगा, लेकिन हम अपने आप के साथ जो आज कर रहे हैं ये बाहर से नहीं आ रहा, हम कर रहे हैं और हम ये रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या तो वो जुडिशरी हो, या तो IPS हो, या तो IAS हो, या तो IFS हो, ये इस चीज को रोक नहीं पा रहे। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग जो है, हिंदू लोग, ये मानने को तैयार नहीं कि आज जो हो रहा है वो सही नहीं है। कि आप हर रोज कुछ ना कुछ उठाकर, आज हिजाब, कल बीफ, कल तलाक, फिर लव जिहाद, फिर और कुछ, फिर नमाज को लेकर अपने ही लोगों पर धावा बोल दें और इसे आप राष्ट्रवाद कहें और आप खुश हों, ये इसके खिलाफ बोलना बहुत ही जरूरी है हिंदुओं को, खास तौर पर जो सवर्ण है। और ये मैं मानता हूं कि ये हमारा एक कर्म है हमारा, और ये हमें करना चाहिए। और जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये लोग पछताएंगे। आपको डर नहीं लगता? नहीं, एक दो बार जब हो जाए उसके बाद कुछ वो सब एक ही जैसा लगता है। जब कोई कोड़े पड़े एक बार, दो बार, उसके बाद तीसरी बार जब पड़ते हैं तो वो कोई ज्यादा नहीं लगते या नए नहीं लगते। पहली बार कब डर लगा था आपको? पहली बार डर जब लगा था, जब पत्रकार था, जब एक्टिविस्ट बना, उसके बाद डर बिल्कुल ही निकल गया। ना कि क्योंकि मैं बहुत ही कोई ब्रेव हूँ, ये बात नहीं है, पर एक ऐसा जोश आता है आप में जब आपको पता है कि जो आप मानते हैं वो सही है, कि ये सब फिर पीछे
हो जाता है। ये बात भी सही है कि आपको मुश्किल, मैं एक पाटीदार हूं, मुझ पे बहुत ही कम आरोप लगेंगे, मुझ पे बहुत ही कम कोड़े मारे जाएंगे। मैं ना तो मुसलमान हूं, ना तो औरत हूं, ना तो मेरा जो स्थान है वो अच्छा है, और मैं ये मानता हूं कि इस स्थान को मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर जो होगा बहुत कम होगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।